इटावा जिले के भरथना में विद्युत करंट की चपेट में आकर गौवंश के साथ युवक की दर्दनाक मौत पर मोहल्ले वासियों का आक्रोश फूट पड़ा और सैकड़ों की तादाद में महिला पुरुष ने मोतीगंज स्थित रेलवे फाटक पर जाम लगाकर भरथना बकेवर मार्ग का यातायात करीब एक घंटे तक ठप कर डाला। जाम की सूचना से इंतजामिया में हड़कंप मचा रहा। रविवार शाम भरथना कस्बे के मोहल्ला मोतीगंज गणेश राइस मिल में रहने वाले लोगों का आक्रोश उस वक्त फूट पड़ा जब मोहल्ले के धर्मिंद कुमार पुत्र जिलेदार सिंह एक गौवंश की विद्युतकरण की चपेट में आने से सुबह दर्दनाक मौत हो गई। मोहल्ले वासियों ने गली नालियों के निर्माण में पोल लगाकर विद्युत आपूर्ति कराए जाने की मांग को लेकर मोतीगंज स्थित रेलवे फाटक के भरथना बकेवर मार्ग पर जाम लगा दिया। जाम का मोर्चा आक्रोशित महिलाओं ने इस तरह संभाला कि एक हाथ में डंडा तो दूसरे हाथ से दूसरी महिला का हाथ पकड़कर घेरा बना लिया, जिससे मार्ग का आवागमन पूर्णतया ठप हो गया। आक्रोशित महिलाओं ने बताया कि मोहल्ले में कई वर्षों से रह रही हैं। विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों से लेकर तहसील दिवस में और सभासद के जरिए भी सांसद तक कई बार लिखित प्रार्थना पत्र देकर समस्या के निराकरण की गुहार लगाई, लेकिन आज तक उनकी समस्याओं का कोई समाधान ना हो सका, जिसके कारण कुछ दिनों पहले भी एक दुधारू भैंस की करंट की चपेट में आकर मौत हुई। आज फिर विद्युत विभाग की अनदेखी के चलते ये घटना घटित हुई। उन्होंने कहा, आखिर यहाँ के बाशिंदे कब तक इस प्रकार अपनी जान गंवाते रहेंगे, जबकि घटना की सूचना विद्युत विभाग को करने के बावजूद भी लाइट नहीं काटी गई। उन्होंने बताया कि बमुश्किल लकड़ी के बांस बल्ली के सहारे विद्युत लाइन खींचे गए, करंट से चिपक कर मौत की सूचना के बावजूद विद्युत विभाग ने मृतक के घर की लाइट सप्लाई नहीं काटी, जिससे आक्रोशित महिलाएं अधिकारियों के मौके पर आने और विद्युत पोल लगवाने की मांग पर डटे रहीं। भरथना के उप जिलाधिकारी हेम सिंह व अपर अभियंता विद्युत से 15 दिन के अंदर समस्या के निराकरण से मिला आश्वासन पर करीब एक घंटे बाद शाम करीब 6 बजे वरिष्ठ उप निरीक्षक दीपक कुमार के समझाने पर आक्रोशित महिलाओं ने जाम खोला। सड़क नहीं, लट्ठे नहीं, कुछ नहीं, तो बोलने हैं, वही तो बोलने हैं, वही चीज तो पूछने हम लोगों, वही चीज हम करें क्या? मैम क्या नाम है? रचना चतुर्वेदी। ये मैम आप जाम लगाए हुए हो? हाँ। क्या पूरा मामला है? पूरा ये मामला है, हमारे यहाँ एक भैंस मर गई, एक जेंट्स मर गया, लाइट नहीं है, लट्ठे नहीं है, कुछ नहीं है, सड़क नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं, हमारे यहाँ क्या करें बताओ? हम ये चाहते हैं हमारे यहाँ लट्ठे खड़े हैं, नाली सड़क सब हमारे यहाँ हो व्यवस्था, तभी जाम खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। तो प्रशासन द्वारा यहाँ विद्युत विभाग द्वारा कोई यहाँ आया है आपको? आया ना आया, अभी यहाँ कोई नहीं आया, हमारे पास कोई नहीं आया यहाँ। सुबह से लाइट कटवाई, लाइट भी नहीं काटी, हमारे यहाँ आदमी मरा रखा, हम कह रहे लाइट काट दो, लाइट भी नहीं काट रहे, बताओ क्या करे? मरवा ले, उनके घर में भी करंट आ रहा है। मैम जी आज जो जाम लगाए हुए हो, क्या पूरा मामला है? ये मामला है कि ना लाइट की व्यवस्था है, ना कुछ है, करंट आता है, घरों में तार खुले पड़े हैं सब लोगों के, ना लट्टा है, ना कुछ है वहाँ पे, ना ला। मैम ये जाम लगा के क्या मतलब है? ये मतलब है कि लट्टा गड़वाया जाए और रोड बनवाई जाए और नाली लाइट की व्यवस्था हमारे यहाँ हो तभी खुलेगी। तो मैम ये जिनकी डेथ हुई है करंट से, ये कौन है? धर्मेंद्र यादव वकील। आप उन्हीं की गली के हैं? हाँ, उन्हीं की गली के। तो आप लोगों की मांग ये है कि लट्ठे लगने चाहिए? हाँ, लट्ठे लगने चाहिए, नाली बननी चाहिए, सड़कें बननी चाहिए, तभी कुछ नहीं है। 7 साल से मांग कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे, ना कोई देखने आता, आदमी मरा रखा है, लाइट भी काटने कोई नहीं आ रहे हैं। बताओ, बिलवाले हम लोग उनको भी फोड़ेंगे। अब किस बिलवाले को नाम लियो? बिलवाले वाले आएंगे, भी पटेगा, फोड़ेंगे, चेकिंग वाले आएंगे, वो भी पटेंगे। अब हाँ, देखे कौन आता है।